अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार के दो साल के जश्न पर कांग्रेस नेता चुटकी लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं और इसी के चलते हमीरपुर में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने जयराम सरकार के दो साल के जश्न की बधाई देते हुए तंज कसे हैं। प्रेम कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ऐसी सरकार है जिसके अंदर विरोधाभास और बिखराव होने के बावजूद ऐसे समय में दो साल निकालना अपने आप में बधाई की हकदार है। प्रदेश सरकार के दो साल के जश्न पर कांग्रेस नेता चुटकी लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं और इसी के चलते हमीरपुर में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने जयराम सरकार को दो साल के जश्न की बधाई देते हुए तंज कसे हैं। प्रेम कौशल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ऐसी सरकार है जिसके अंदर विरोधाभास और बिखराव होने के बावजूद ऐसे समय में दो साल निकालना अपने आप में बधाई की हकदार है। साथ ही कौशल ने इस राजनीतिक उपलब्धि बताया और कहा कि पूरे प्रदेश में विकास के अलावा अन्य मामलों में जयराम सरकार पूरी तरह से पिछड़ कर रह गई है और रिज मैदान पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को रैली में ले जाया गया है। तो, मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि ये जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में है ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में, ये एक ऐसी सरकार है जिसके अंदर इतने विरोधाभास हैं, इतने टकराव हैं और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बीच में हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग अलग गुट भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय हैं, ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जयराम जी को खुशी होनी चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में वो दो साल पूरे करने में कामयाब हुए, सफल हुए, इसकी मैं उनको बधाई देता हूँ। ये एक राजनीतिक उपलब्धि है उनकी, दो साल पूरे करना, निजी उपलब्धि जिसको कह सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि दो वर्ष का उस लिहाज से, उस दृष्टिकोण से, उस नजरिए से भारतीय जनता पार्टी की इस शासित इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं था। और जो भीड़ वहां जुटाई गई रिज मैदान के ऊपर, वो भीड़ कैसे जुटाई, जितने दो वर्षों के अंदर चाहे वो गैस कनेक्शन दिए, चाहे कोई किसी को आवास योजना के तहत किसी को आवास मिला, जो भी योजनाएं सरकार की हैं उनके जो लाभार्थी थे उन लाभार्थियों को कठा करके शिमला रिज मैदान पर ले जाया गया। वहीं प्रेम कौशल ने दो साल के जश्न को लेकर हमीरपुर के गांधी चौक पर खाली कुर्सियों की बात पर कहा कि पहली बार जनता ने बीजेपी के प्रति अलग बात उत्पन्न हो गया है कि गृह मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करना था लेकिन जनता ने इसके लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई है। तो ये पहली बार हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति इतना अलगाव लोगों के अंदर उत्पन्न हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री, इनको सभा को संबोधित करना था। दो साल सरकार की कंप्लीशन का जश्न का आयोजन था और उसको लेके एलईडी और पूरी व्यवस्था की गई थी कि लोग यहाँ भी देखेंगे गांधी चौक पे भी उस जश्न का, जो उनका जो भी कार्यक्रम वहाँ शिमला में चल रहा था। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ है देख के कि दो वर्षों में भारतीय जनता पार्टी कहाँ से कहाँ हमीरपुर जिला के अंदर और हिमाचल प्रदेश में पहुँच गई है। अगर यहाँ भी कोई 150 लोग इनको करने पड़ते तो जो मैंने कहा कि जिस तरीके से इन्होंने शिमला रिज मैदान पे भीड़ जुटाई, शायद वही रास्ता अख्तियार करते तो 10-20 लोग उनका भाषण सुनने के लिए गांधी चौक की कुर्सियों पे बैठने के लिए हो जाते। प्रेम कौशल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों नेताओं के मुंह से जब भी जुबान निकलती है तब जहर ही निकलता है और दोनों नेताओं का भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि नागरिकता बिल को लेकर केंद्र सरकार गलत कर रही है लेकिन मानने को तैयार नहीं है। अमित शाह जी ने कल शिमला में रिज मैदान पे भाषण देते हुए एक चैलेंज किया राहुल गांधी को कि जो CAA है, NRC है, इसमें अगर किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान है तो उसको साबित करें, बहस करें उसके ऊपर। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जब भी बोलते हैं
जब भी मुंह खोलते हैं सिर्फ जहर उगलते हैं। ये दो ऐसे नेता भारतवर्ष के इतिहास में हुए जिनकी जुबान से जब भी मुंह खोलेंगे हमेशा जहर ही निकलेगा, जहर ही उगलेंगे, आग ही उगलेंगे। शालीनता, दूसरे का सम्मान करने का, किसी को इज्जत देने का और सम्मानित तरीके से अपने विरोधियों के प्रति बात करने का जो एक परंपरा इस देश की रही है, जो संस्कृति हमारी रही है, उस संस्कृति से कोसों दूर हैं ये दोनों नेता। कौशल ने सरदार पटेल के ऊपर की गई टिप्पणियों पर कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर ने चापलूसी की हद पार कर दी है, क्योंकि गुजरात में जिस नेता को तड़ी पार कर दिया गया है ऐसे व्यक्ति की तुलना महान सरदार पटेल से करना बेहद ही निंदनीय है। सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तित्व के व्यक्ति के साथ करना अपने आप में, इसे मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सरदार पटेल के विषय में जो कहती है, सरदार पटेल इतने महान व्यक्तित्व के व्यक्ति को कहाँ लेके आ गई भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय मतलब चमचागिरी की भी कोई एक चापलूसी करने की भी एक सीमा होती है। मुख्यमंत्री ने अपनी चापलूसी करते करते सारी हदें पार कर दी और इतने महान व्यक्तित्व की तुलना एक ऐसे व्यक्ति के साथ कर दी जिसकी सोच देश को बांटने की है धर्म के आधार पर, जिसको उनके अपने ही शासनकाल में गुजरात में वहां की अदालतें जो थी, वहां की जो पुलिस थी, वो तड़ी पार जिसको घोषित किया गया था, ऐसे व्यक्ति के साथ सरदार पटेल की तुलना करना मैं समझता हूं कि महान स्वतंत्रता सेनानियों का इससे बड़ा अपमान कोई नहीं हो सकता। इस अवसर पर पत्रकार वार्ता में पार्षद राजेश चौधरी, अनिल चौधरी भी मौजूद रहे।